तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं एक दक्षिण भारतीय उपमा बिल्कुल अलग अंदाज से, यानी कि ब्रेड के साथ। तो साहिल, आप हमें बताएं आप हम इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए दीपिका, इसको शुरू करते हैं बनाना। जी सबसे पहले हम ब्रेड लेते हैं, कि और मेरे पास है यहाँ पर 4 पीस ब्रेड के। तो जी आप इसमें, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश ब्रेड यूज़ करें, अगर आपको लगता है कि कुछ ब्रेड बच गई है जी एक दिन पहले से तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी और अगर आपको इसके जो सख्त वाले पार्ट्स हैं वो पसंद नहीं है तो आप वो जी भी निकाल दें, लेकिन मेरे को ये अच्छे लगते हैं तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ जी इसे। बिल्कुल और साथ ही साथ मैं गैस भी ऑन कर लेता हूँ। जी। और साहिल, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ब्रेड हमने यहाँ पर ली है वो है ब्राउन ब्रेड, यानी कि जी गेहूँ की ब्रेड, हाँ जी और हम मैदे की ब्रेड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ जी, एकदम सही कहा आपने, जी क्योंकि ये ज़्यादा पौष्टिक है हमारे लिए बिल्कुल और हम चाहते हैं कि जब आप सुबह का नाश्ता लें तो एकदम जी वो पौष्टिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने साहिल। अगर आप देखें तो हमारे भारत में अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स में हाँ जी कई तरह का नाश्ता बनता है, हाँ जी लेकिन उत्तर भारत में अगर खास तौर पे बात की जाए तो सुबह का नाश्ता बहुत भारी होता है और जी काफ़ी तला हुआ, भुना हुआ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। साहिल, लेकिन अगर मैं देखूँ तो आजकल लोगों की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, हाँ जी उतना वर्क नहीं रहा है कि आप सुबह इतना देसी घी खाएं और मक्खन खाएं और हाँ जी कि आप उतनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जी ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये बात है कि आप रोटी ज़रूर खाएं, स्टफ़ हाँ रोटी जी खाएं, स्टफ़ पराठा बनाएं, लेकिन हाँ उसको जी तले नहीं, बहुत कम तेल लगाएं। जी तो कहने की बात है कि आप अपना अंदाज़ थोड़ा बदलें। और अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल। मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच जी सनफ्लावर ऑयल का। और अब हम बना रहे हैं उपमा। जैसे कि आपने बताया, हम एकदम नए अलग अंदाज में बना रहे हैं। जी वो सूजी से बनाया जाता है और हम इसे आज बना रहे हैं ब्रेड से। जी बिल्कुल तो अब हम डालते हैं इसमें थोड़ी सी राई, यानी जी कि सरसों, 1 चम्मच। और इसमें डालते हैं थोड़े से करी पत्ते, जी और इसको तीखा करने के लिए लाल मिर्च जी 2। इसको बनाना बहुत ही आसान है जी आप देखें, और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने और अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा प्याज, जी प्याज को आप थोड़ा सा सेक लें, जी और उसी के साथ जो हमने दाल उबाल करके रखी जी थी आप वो डालें इसमें। कि ये लीजिए हम डाल रहे हैं 1 चम्मच उड़द दाल का जी और 1 चम्मच चना दाल का। जी साहिल, जो दालें हैं बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, हाँ जी और जब हम सुबह नाश्ता करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें प्रोटीन भी ज़रूर लें, जी यानी कि हमारा नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसमें थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन हो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रोटीन, जैसा कि आपने बताया, दाल ये हमको धीरे धीरे एनर्जी देता है और जी दिन भर तक हमें चुस्त और दुरुस्त रखता है। बिल्कुल और अब मैंने इसमें डाल दी है ब्रेड जी जो हमने 4 पीस काट के रखे थे। बिल्कुल, और जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा। हाँ जी साहिल, मैंने अक्सर देखा है कि जब सुबह आप काम के लिए जाते हैं हाँ जी इतनी जल्दी में सब लोग रहते हैं कि जी कई बार वो नाश्ता बिल्कुल मिस ही कर जाते हैं, हाँ जी क्योंकि सुबह यही जल्दी होती है कि आप जल्दी से जल्दी अपने काम पर पहुँचें, हाँ जी और जब तक आप काम पर पहुँचते हैं आपका काम का समय शुरू हो जाता है जी और आप उस भाग दौड़ में, उस चक्कर में नाश्ता भूल जाते हैं। ये नाश्ता तो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, चाहे आप जी कितने भी बिजी क्यों ना हो। अगर जी आप घर से नाश्ता करना भूल गए हैं या जल्दी में घर से निकल गए हैं जी तो अपने ऑफिस जा कर के जरूर करें, क्योंकि ये ऐसा मील है जो आप मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल साहिल, और अगर आप किसी दिन ने आपने नाश्ता मिस किया तो आप देखेंगे कि दोपहर तक आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म है, आपका काम में मन नहीं लग रहा, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जी तो उससे आपका काम भी जो है वो भी सफ़र करता है। बिल्कुल सही। और दीपिका, मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच नमक का जी और आधा चम्मच गरम मसाले का और जी थोड़ा सा गुड़ इसको ओके स्वाद देने के लिए। जी अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, कुछ छींटे डालनी है अच्छा ताकि हर जगह जो पानी है वो फैल जाए। तो आप, ओके चलिए, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई हाँ साहिल, जी नहीं मैं तो ऐसे ही पानी डालने वाली थी जी इतना काफ़ी है। जी। ओके, तो इसमें बस थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर हाँ और जी छींटा लगाना है जी
इससे ब्रेड भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी जी। और गुड़ भी अच्छी तरह से हर जगह फैल मिक्स हो जाएगा जी, जी बिल्कुल। और अब आप निकालिए एक प्लेट, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है जी, ये लीजिए। साहिल ये काफी जल्दी बनने वाला नाश्ता है। हाँ जी, और जैसे मैंने बात की कि सुबह अगर आप जल्दी में हैं आप तब भी इसको आराम से बना सकते हैं। हाँ जी, तो लीजिए इसी के साथ तैयार है ब्रेड उपमा। फूड फूड इट्स सिज़लिंग।